दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एलेक्स परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का वीडियो कुछ कमाल का होने वाला है, क्योंकि देखो सवाल आप खुद देख सकते हैं, क्या एलेक्स उत्पादों के रिजल्ट नहीं आते? एक्चुअली में सवाल मेरा नहीं है, कुछ लोगों का है जो हमारे उत्पादों को यूज करते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या आपके प्रोडक्टों का रिजल्ट प्रॉपर है। बिल्कुल, मैं आपको उनको बोलना चाहूंगा, हमारे जो उत्पाद हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, उनका कंपोजिशन जो तैयार होता है उस प्रकार से है कि उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनकी वजह से हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले हो। क्या क्या रीजन ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से रिजल्ट लोगों को नहीं मिलते कई बार? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके भी कोई सवाल है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, जिसमें ज्वाइन करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको वीडियो जल्दी दे देंगे। या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके कोई भी जानकारी देना चाहते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की जानकारी पे चलते हैं और वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है, गलत रिकमेंडेशन। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आयुर्वेद का नॉलेज नहीं रखते, इसलिए गलत तरीके से रिकमेंड कर देते हैं। उनको पता नहीं है कि कौन से बीमारी पे कौन सा प्रोडक्ट काम करना चाहिए। हालांकि उनको लगता है कि ये दो तीन प्रोडक्ट दे देने चाहिए, मतलब गलत रिकमेंडेशन की वजह से कई बार लोगों को रिजल्ट नहीं आते। मतलब बीमारी कुछ और है, उसके हिसाब से हम, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोगों को अथराइटिस रहती है। एथराइटिस में लोगों को क्या समस्या होती है कि अपन घुटनों की समस्या ज़्यादातर होती है, लेकिन कुछ लोगों को जब सुबह के टाइम में नीचे से अगर पैर, जैसे पैर का सबसे जो नीचे का हिस्सा होता है वो भारी रहता है, उसमें अगर भारीपन महसूस होता है तो उसको यूरिन में भी उसके समस्या है, लेकिन उसके यूरिन के लिए उसका कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। हालांकि एथराइटिस के उसको प्रोडक्ट दिए जाएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलने के कुछ चांसेस कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन, गलत नॉलेज के जानकारी से हम अटक जाते हैं और हम अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाते। आयुर्वेद का अधूरा नॉलेज। बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है, आयुर्वेद का लोगों को अधूरा नॉलेज होने की वजह से, जैसे बहुत सारे लोग जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उसके आयुर्वेद के बारे में पूरी ना जानकारी होने की वजह से उनको प्रॉपर परफॉर्मा नहीं बना के दे पाते कि आपको किस प्रकार से लेना है। लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के लिए भी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसी के साथ खटाई भी खा रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, या फिर मतलब जो खट्टा खाना है मना किया है वो भी खाए जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि रिजल्ट नहीं मिलते आपको। स्टार्टिंग में मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद कोई गहरा नॉलेज नहीं है, 3 से 6 महीने इसको बेसिक किताबों के साथ या कुछ कैटलॉग या कुछ चीज़ें पढ़ के, कुछ प्रोडक्टों के बारे में हमारे डॉक्टर्स के सेशन सुन के आयुर्वेद का काफ़ी सारा नॉलेज लिया जा सकता है, जिनसे आप लोगों को अलग अलग बीमारी के बारे में रिकमेंड कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, इस वजह से भी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तीसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। तो तीसरा पॉइंट लिखा है, एक्चुअल में ये कोई पॉइंट नहीं है, एक मेरे को समझाने का एक प्रोसेस के लिए लिखा है सिर्फ मैंने। किस प्रकार से, एक व्यक्ति है कोई भी बीमारी पे, जैसे सोचो उस व्यक्ति को डायबिटीज है और वो पिछले 10 साल से डायबिटीज की दवा खाए जा रहा है, तो आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद उसके कारण पे काम करता है। तो मतलब रिजल्ट वो इंटरनल बॉडी पे काम करता है, कहीं ना कहीं उसको टेम्पररी ठीक नहीं करता, तो कहीं ना कहीं पहले वो बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा। पूरे जो इतने दिन से वो होम्योपैथिक दवाइयाँ खा रहा था, एक बीमारी को दबाने के लिए जब दूसरी बीमारी पैदा हो रही थी, तो उसको डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, उसकी गंदगी को बाहर किया जाएगा, उस बॉडी को सही किया जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन के चक्कर में लंबा टाइम लग जाता है। कई बार व्यक्ति क्या बोलता है, एक प्रोडक्ट को 1 महीने लेने के बाद क्या बोलता है, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। अब ये नहीं देख रहा वो कि 10 सालों से क्या खाई जा रहा है, 10 साल को इस बॉडी को दिए क्या जा रहे हैं। हम वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें खाई जा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं पहले क्या आयुर्वेद क्या करता है, पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अपनी जो बॉडी में केमिकल्स हैं, गंदगी है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, इनको बाहर करता है और फिर इंटरनल तरीके से बॉडी को ठीक करता है। मतलब किसी को स्किन डिजीज है ना, तो स्किन को अंदर से ठीक किया जाता है, ब्लड को ठीक किया जाता है, और ऑटोमेटिकली ऊपर से स्किन को नहीं हटाया जाता, ऊपर से स्किन को साफ नहीं किया जाता, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको बीमारियों को समझना है तो त्रिदोषा को समझना पड़ेगा। आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, वात पित्त और कफ को समझना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, अगर मान लो किसी को पेट की समस्या है या कोई और समस्या है, दिमाग की समस्या है, तो अपने वात कफ से पित्त से जोड़ते हुए उनको ये लग जाता है कि ये पित्त की समस्या है, ये कफ की समस्या है, लेकिन उनको नहीं पता एक्चुअल में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो
मतलब अकेले वात पे डिपेंड नहीं होती है, अकेले पित्त पे डिपेंड नहीं होती है, और अकेले कफ पे डिपेंड नहीं होती है, मतलब दोनों के कॉम्बो से भी कोई बीमारी पैदा होती है, उन बीमारियों को अपने को समझना पड़ेगा। अगर वात कफ और पित्त दोनों तीनों हमारी बॉडी में त्रिदोष जो है अगर बराबर हमारे मेंटेन है तो बॉडी में हमारी कोई बीमारी आ नहीं सकती, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। त्रिदोषा को पहचानना आपको आना चाहिए। पांचवा, हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने आपके उत्पाद तो लिए थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। पता है क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उन प्रोडक्टों को कंप्लीट नहीं लिया, आपने एक टेम्पररी तरीके से लिया था, ठीक हो गए तो ठीक है। एक्चुअल में आयुर्वेद जो है हर बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसको टाइम दिया जाना चाहिए। कोई बीमारी में आपको 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, कोई पे 20 दिन में, कोई पे महीने में, कोई पे 2 महीने में, कहीं पे 3 महीने में, 6 महीनों में, 9 महीनों में, 12 महीनों में। आयुर्वेद बोलता है कि अगर पूरी बॉडी को स्वस्थ करना तो 1 साल तक भी लग सकता है। लोग बोलते हैं एक टेबलेट खा के वो सोचते हैं कि हमारी बीपी कम हो जाएगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। आज तक आपने इस शरीर को क्या दिया है वो देखो ना। एलोपैथी के एक इमरजेंसी के लिए बना है, आयुर्वेद लेकिन हमारे लाइफ टाइम के लिए बना है। तो ये पांच कुछ कारण जो हैं ऐसे हैं। कंप्लीट कोर्स जो ये बताया मैंने बहुत ज्यादा, लोगों को जब बताया जाता है कि 6 महीने लेना पड़ेगा तो लोग क्या बोलते हैं पता है, 3 महीने तो मैंने लिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो मैंने 6 महीने नहीं लिया। ये कोई जवाब नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि जब आपको इस आपको जब उस व्यक्ति ने बोला ना कम से कम 6 महीने लगेंगे तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हो सकता है 4th महीने में जाके आपको रिलीफ मिलना शुरू हो सकता है आपको 6th महीने में रिलीफ हो, लेकिन क्या होता है कि आयुर्वेद जो है कारण पे काम करता है तो थोड़ा टाइम लगता है उस बीमारी को ठीक करने में। तो ये पांचों जो कारण है मैंने जो कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज में जो कारण थे मैंने वो लिखे हैं। आपके भी इसके अलावा कोई राय हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस वजह से भी कोई बीमारी ठीक नहीं होती कई बार। ठीक है, मैंने जो कुछ कारण लिखे हैं जिन वजह से कई बार उत्पादों के रिजल्ट नहीं मिलते, बाकी हमारे अलेक्स के जो प्रोडक्ट हैं उनके रिजल्ट बहुत बेहतर मिलते हैं। कमेंट में आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, और इतने रिजल्ट्स के वीडियो हैं आपने देखे होंगे, हमारे उत्पादों के तो रिजल्ट एकदम ओके है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लेक्स। थैंक यू।